बिहार के सारण में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक तरफ जहां देश में नए कानून लागू किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सारण में एक बड़ी घटना हुई। एक लेडी डॉक्टर और वार्ड पार्षद की हैरान करने वाली प्रेम कहानी सामने आई। दरअसल छपरा के मढ़ोरा में एक लेडी डॉक्टर और वार्ड 12 के पार्षद के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर महिला डॉक्टर ने अपने प्रेमी को बेवफाई करने की खौफनाक सजा दी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ ऐसा बदला लिया कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। महिला ने शादी करने से इनकार करने पर अपने प्रेमी को घर बुलाया और उसे गुप्तांग काट दिया। आरोपी महिला डॉक्टर ने दावा किया कि उसका पिछले 5 साल से उस व्यक्ति के साथ संबंध था, लेकिन वो उस शायद शादी करने से इनकार कर रहा था। उसने किसी तरह उसे कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज के लिए राजी कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो शादी के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा। इसी घटना से नाराज होकर दोनों एक जगह पर मिले थे, क्योंकि ये महिला खुद एक नर्सिंग होम चलाती थी। उस युवक को बेहोश किया और उसकी बेहोशी की हालत में उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। युवती ने बताया कि लंबे समय से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए। वेद प्रकाश शादी का वादा करने के बावजूद उसके साथ शादी नहीं कर रहा था और आए दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। 2 बार उसका गर्भपात भी कराया था। पार्षद का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद लेडी डॉक्टर ने एक खबर खुद ही पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो चाकू था वो बरामद किया, साथ ही उस महिला को भी हिरासत में लिया। बेडरूम से वेद प्रकाश को ले जाकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर किया गया। पुलिस ने डॉक्टर को हत्या की कोशिश से जुड़े धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेडी डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि वेद प्रकाश किसी और लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। वहीं पुलिस का कहना है कि लेडी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।